ये कैसे है? हाँ ये ठीक रहेगा ना। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी यहाँ मस्त हैं और ये व्लॉग है उत्तरायण के दो दिन पहले का। यहाँ गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण द फेस्टिवल ऑफ काइट। इस दिन गुजरात में लोग पूरा दिन काइट उड़ाते हैं और वडोदरा का तो हाल ही मत पूछो। लोग सुबह सुबह से ही अपने घर की छतों पर चले जाते हैं और रात तक पतंग उड़ाते हैं। रात में भी पता है लाइट वाली पतंगे उड़ाते हैं। मुझे वडोदरा में रहते रहते 8 साल हो गए हैं और जब मैंने पहली बार यहाँ उत्तरायण का फेस्टिवल देखा था मैं तो हैरान ही रह गई थी। ऐसा नहीं है कि हमारे यूपी साइड दिल्ली साइड पतंगे नहीं उड़ती है, उड़ाते हैं, लेकिन इतना क्रेज पतंग के लिए वो तो बाबा मैंने यही देखा है। मतलब उत्तरायण से पहले ही जगह जगह ऐसे मार्केट लग जाते हैं काइट्स के। अभी हम लोग भी काइट्स की शॉपिंग करने आए हैं क्योंकि पीकू के स्कूल में उत्तरायण से एक दिन पहले 13 तारीख को प्री सेलिब्रेशन होगी और प्री सेलिब्रेशन के लिए मैम ने मंगवाई है छोटी छोटी दो काइट्स और मांजा, साथ में जो गुजरात का ऑथेंटिक फूड होता है जो हम स्पेशली उत्तरायण में खाते हैं वो लेकर आना है। स्माइल। ये है वडोदरा का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके पास ही लग रहा है ये मार्केट। लोग वाक भर भर के शॉपिंग कर रहे हैं जिसमें से एक सुरेंजी भी हैं। वैसे तो कहीं भी हम शॉपिंग जाते हैं ना तो ये हमेशा गाड़ी में बैठे रहते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। ये देखो यहाँ मूंगफलियाँ, चौलाई के लड्डू, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। इस क्यूट सी बच्ची को मैं क्या बताऊँ, इतनी प्यारी लगी, मैंने इसके बहुत सारे शॉट्स ले लिए। जो इसने सर पे कैप लगाई हुई है ना विग वाली, ये बहुत सारे लोग लगाते हैं जब काइट उड़ाते हैं ताकि धूप से बचे रहे, और साथ में दूरबीन और बहुत सारी कैप हैट सब लेकर जाते हैं क्योंकि पूरा दिन जोड़ानी होती है काइट्स। लो जी सुरेंजी की भी शॉपिंग हो गई पूरी। भाई साहब जो सुरेंजी ने भर भर के शॉपिंग करी है ना, वैसे कुछ भी कहो जितनी क्रेज से इन्होंने खरीदी है ना काइट्स उतनी क्रेज से उड़ाएंगे भी। ये मैंने पीकू रन्नू के लिए दो दूरबीन भी खरीद लिए, वैसे तो उनका कोई यूज है नहीं लेकिन फिर भी मजे लेने के लिए क्या बुरे है। अभी इन चीजों का हमने यूज क्या किया और पतंगों को कैसे उड़ाया वो तो आपको उत्तरायण वाले व्लॉग में ही देखने को मिलेगा। आज तो बस शॉपिंग हुई है। चलो अब ये शॉपिंग करने में तो बहुत मजा आ रहा है ना। मैं चलो खुशी है, पतंग उड़ाऊंगा, मौज करूंगा। इसके बाद हम लोग आए पतंजलि के स्टोर। यहाँ हम लोग आए कुछ सामान लेने के लिए, वो मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ दिखाना तो इम्पॉसिबल है। पीकू रन्नू ने इतना गर्दा काटा ना यहाँ पे कि जितनी देर भी हम लोगों ने शॉपिंग करी ना ये पतंजलि वाले भी हमसे दुखी हो गए, सोच रहे थे कब जाएंगे ये लोग। चलो बच्चा नंबर सेकंड। आराम से भैया आराम से। ये देखो यहाँ भी इन लोगों का डांस चालू है। ये पूरे पतंजलि के मार्ट में इतनी बुरी तरीके से खेल रहे थे ना, यहाँ से वहाँ दौड़ का मैदान बनाया हुआ था। अगर कुछ और देर वहाँ रह जाते ना तो हमें धक्के मार के निकाल देते वहाँ से। सही बात है, सही कह रही है। जल्दी से अपने सामान समेटते हैं और चलते हैं घर, और घर जाके दिखाती हूँ कि हमने लिया क्या क्या है यहाँ से। ताड़ा, ये हमारा आइटम जो हम लेकर आए वहाँ से। वैसे इसको लाना प्री डिसाइडेड बिल्कुल नहीं था, गए तो हम थे पतंजलि से आटा खरीदने, ज्वार बाजरा रागी इसका आटा लेने गए थे, लेकिन आदत से मजबूर हम लोग भर भर के और भी बहुत सारा सामान लाए। इसके साथ ही क्लीन करने के लिए भी हमें पाउडर मिला है ताकि ये हमेशा चमकता रहे। बताओ हम लोग एक्साइटेड है सामान देखने के लिए और रणवीर का अलग ही चल रहा है। ये भाई सब लगे हुए पॉपिट पॉलिथीन से खेलने में। सच पूछो तो वैसे ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा कमेंट सेक्शन में बताना किस किस को ये पॉपिट पॉलिथीन फोड़ने में मजा आता है। Prevent cell damages, rejuvenate the skin cells, you look younger, it aids weight loss, improve digestion, help relieve joint. ये देखो और क्या क्या सामान है। ये सारा सामान है ना मम्मी रानी लाई है, मक्के का आटा, रागी का आटा, मिस्सी आटा। मम्मी को इन सारे आटों की रोटी बहुत अच्छी लगती है। ये पतंजलि का फेमस बाम जो मम्मी का रामबाड़ इलाज है, कुछ भी तकलीफ हो बस यही बाम लगाती है। बादाम का तेल और ये ऑइंटमेंट है पेन के लिए, अनारदाना, हींग गोली। ये वाली पतंजलि की आई ड्रॉप भी अच्छी है वैसे, जैसे कभी कभी आंखें सूख जाती है, खुजली होती है तो उनके लिए अच्छी है। दो तीन टाइप के ऑयल भी लाए जैसे बच्चों की मसाज करने के लिए।
लिए। ये सौंदर्य कोकोनट मॉइस्चराइजर क्रीम भी लेकर आई हूँ मैं अपने लिए। अरे हाँ यार, ये तेजस तेल तो बहुत ही अच्छा है यार, ये एक बार ट्राई करना। जैसे जोड़ों का दर्द हो गया, कोई भी दर्द हो गया, उसके लिए अच्छा है। ये वाला तेल भी दर्द के लिए ही है, पता नहीं क्यों सुरेंद्र जी लेकर आए, वो अपने लिए लेकर आए। तो ये थी हमारी पतंजलि की शॉपिंग। आएगा आएगा रनु। क्या बेटा, क्या बकवास है? अच्छा देखो देखो क्या बकवास है। वाटर आ जाएगा और जब नहीं पीना है तो उसको ऐसे यहाँ पे निकाल के यहाँ। आज ही कॉपर का ये लेकर आए हम और आज ही इसको यूज करेंगे। वैसे तो हमने सोचा था कि इसको कल भरेंगे, कल यूज करेंगे, लेकिन जब हमने डब्बे पे इसके बेनिफिट्स पढ़े ना, तो भैया हमसे रहा ही नहीं गया। जैसे कि एंटी एजिंग, वेट लूज और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना, डाइजेशन के लिए अच्छा, सारी बीमारियों से आपको दूर रखेगा। अभी रात में इसको भर के रखेंगे, मॉर्निंग में सब लोग इसका पानी पियेंगे। वैसे हम लोग कॉपर की बॉटल्स यूज करते हैं घर में, बट उसमें इतना मजा नहीं आता। पीलो पीलो, 1 2 3 कैसा लग रहा है? अब इस बोतल को टाटा बाय बाय, गीता देवी की बोतल गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब नेक्स्ट डे हो गया है, सुबह सुबह का नाश्ता चल रहा है। सुबह उठकर चाय और बिस्किट का जो मजा है ना, सॉरी बिस्किट नहीं बिस्कुट, चाय और बिस्कुट, आय हाय हाय। आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था ना कि आज परीक्षित के यहाँ उत्तरायण प्री सेलिब्रेशन है, इसलिए पीकू आज अपने टिफिन बॉक्स में ऑथेंटिक मकर संक्रांति और उत्तरायण की स्वीट्स लेकर जाएगा। जैसे कि यहाँ गुजरात में चिक्की खाते हैं, चौलाई का लड्डू खाते हैं, और मकर संक्रांति पे खाते हैं मूंगफली और रेवड़ी। आज स्कूल में सारे दोस्त एक साथ शेयर करके स्वीट्स बांटेंगे और खाएंगे। अरे हाँ, मकर संक्रांति पे तिल भी तो खाते हैं। मैंने तिल वाली रेवड़ी भी रख दी है और फ्रूट्स में बनाना दिया है, साथ में काइट और मांझा भी रख दिया। और मेन कोर्स लंच बॉक्स के लिए मैंने उसको इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसके स्कूल में ही मैंने कैंटीन फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। पिछले 3 महीने से वो स्कूल कैंटीन में ही खा रहा है और काफी अच्छा स्कूल कैंटीन का खाना है। वैसे मैंने स्कूल कैंटीन इसलिए भी स्टार्ट कराई थी क्योंकि विंटर्स में गरम गरम खाना मिले तो अच्छा है। गर्मियों में फिर से घर का टिफिन बॉक्स स्टार्ट कर दूंगी। आपका दिन भी अच्छा जाए। गुड मॉर्निंग ब्लैकी, दूध लाती हूँ। इतनी खुशी किस बात की थी बहन? ये खुशी है पीकू को स्कूल से लाने की। दांत है? दांत? हाँ। ये दांत लग रहे तुझे? हाँ। कुछ भी। और ये व्लॉग है पीकू, रन्नू और मॉम का, तो बिना खाना दिखाए कैसे एंड हो सकता है जी। तो भाई लोगों, आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन चंक्स की न्यूट्रीला बिरयानी, वो भी 1 पॉट बिरयानी। अगर आप मेरे व्लॉग्स बहुत पहले से ही फॉलो करते आ रहे हैं, तो आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि मैं खाना पीना बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करती, जल्दी और झटपट जो बन जाए वही बनाना प्रेफर करती हूँ। और मैं सोचती हूँ आपको भी मैं वही बताऊँ जो जल्दी से बन जाए और टेस्टी भी हो। तो 1 पॉट बिरयानी के लिए चाहिए आपको एक कुकर, कुकर में डाले तेल, तेल में डाले जीरा, जीरा में डाले हींग। वाह 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 वाह, क्या बात है। आगे सुनिए, प्याज लहसुन मिर्च कर दीजिए फ्राई। बेटा रुक, न्यूट्रीला तेरी बारी भी आई। पहले भूनने के लिए डाल दीजिए कसूरी मेथी। वाह वाह, खुशबू से पूरा घर पहका। सब्जियों के नाम पे है केवल आलू और मटर। टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। इम्पोर्टेंट मसाले में से एक है चिकन मसाला। अभी जब मसाला सारा भुन जाए तो दही डाल दीजिए। वो पहले दिखाया था ना, दही में सारे मसाले डाले हुए थे, हाँ हाँ वही 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 वाली दही डाल दीजिए। ओह नो, अभी मुझे पता चला चावल तो खत्म ही हो गए यार, ये तो बस 1 गिलास ही है और मैंने मसाला 2 गिलास चावल के लिए बना लिया। अयो, अब क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। मसाले को कम फ्लेम पे गैस पर छोड़कर मैं आई हूँ चावल लेने। खिचड़ी चावल किधर रखे? किधर? किधर है? ये तो थोड़े पतले। जो एग्जैक्ट चावल चाहिए थे वो तो मुझे नहीं मिले, तो फिर मैंने लास्ट सेफ ऑप्शन में जाते हुए दावत रोजाना चावल ले लिया। पहले मैंने सोचा चलो बिरयानी वाले चावल ले लेती हूँ, लेकिन उसको तो 15-20 मिनट भिगोना पड़ता और मेरा मसाला तो गैस पे चढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने दावत रोजाना चावल ले लिया, उसको भिगोना नहीं पड़ता। अब भैया बिरयानी सूखी तो अच्छी लगेगी नहीं, तो उसके साथ मैं बना रही हूँ धनिया की चटनी। एकदम ऑथेंटिक धनिया की चटनी बनाऊंगी जिसमें मैंने डाला है केवल धनिया, हरी मिर्च, अदरक, स्वाद अनुसार नमक, अरे जीरा भी है, सॉरी सॉरी। हाँ, अब आया नमक,
नमक के बाद डालूंगी हींग, और हींग के बाद क्या डालूंगी, कुछ नहीं। चलो अब इसे पीसते हैं। वाह, बन गई आपकी धनिया की चटनी, लेकिन ऊपर से बिना नींबू डाले ये बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। तो लास्ट में मैंने डाला है इसमें आधा नींबू, और तैयार है आपकी खट्टी खट्टी धनिया की ये चटपटी चटनी। तो भाई लोगों, आज का व्लॉग बस इतना ही। होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। और दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज रन्नू पीकू एंड मॉम व्लॉग्स। मिलते हैं आपसे अब अगले व्लॉग में, उत्तरायण वाले स्पेशल व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।